अभी जो मैं आप लोगों को व्यू दिखाने वाला हूँ ना, एकदम प्रॉपर गंगा जी का। ये हवा इतना तेज है, हवा के साथ साथ पानी का छींटा आ रहा है कि टैंक पे कहीं कहीं पे पानी का छींटा आके पड़ गया है। जो भी चीज है वो होनी चाहिए, आधा घंटा पहले हो या आधा घंटा लेट हो कुछ खास मैटर नहीं करता है। यहाँ से आप लोग रिव्यू चेक करोगा, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। वैसे देखता हूँ इधर की जो फेमस चीज होगी ना, वो सुबह सुबह लिट्टी उट्टी बनाते हैं, वो ब्रेकफास्ट करके जाया जा सकता है। जैसे संडे राइड को होता है ना, बहुत दूर तक चल के गए, वहाँ सारे बाइकर्स मिल गए, कुछ साइकिल। इधर भी क्या है, कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, क्लियर हुआ नहीं है। इसके चलते यहाँ पे भी रोड सब टूटे फूटे दिखेंगे आपको, कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। यह सब्जी बाग वाला रोड अंदर अंदर अगर आते हैं तो ये मिलेगा। तो पटन देवी जी भी यहीं पे है, अगर हम फ्रेश फ्रेश हुए होते, नहा वहा के आए होते तो यहाँ पे पटन देवी का दर्शन भी कर लेते। ये देख लीजिए, सब्जी बाग वाला रोड है, गांधी मैदान सीधे जाएगा और ये यहीं पे है आगे पटन देवी का मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छी और जगता माता है। मैं भी पहले यहाँ पे बहुत आया करता था जब मैं उसमें था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कॉलेज में था, जब भी रहता हूँ मतलब तो आता हूँ। बस कोई एक साथ में होना चाहिए प्लान करने वाला, जैसे अभी कोई प्लानिंग होती ना अगर नाइट में तो मस्त आते, पूजा वूजा करते, नहा के आए होते, लेकिन अब बिना प्लानिंग के आ गया। चलो कोई बात नहीं है, इधर आके भाई साहब मज़ा इतना आएगा आपको कि आपको लगेगा कि आप कुछ अलग जगह पे आ गए हो। अब देख लीजिए, यहाँ से दीघा गांधी मैदान पीएमसी सबके लिए यू टर्न लेना है, यू टर्न इन द सेंस कि वापस नहीं जाना है, लेफ्ट लेके बढ़ना है। देख लीजिए मेरी बाइक कुछ अलग बिहेव कर रही है, पता नहीं क्यों कल से इसका बिहेवियर ही चेंज हो गया। जैसे मतलब सर्विस हुई थी ना, एकदम मस्त मक्खन चल रही थी गुजरात में, गुजरात से आई भी मक्खन है, इधर भी जितना चलिए सब मक्खन चलिए, बट कल परसों से इसका बिहेवियर बहुत बुरा हो गया। मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, पिकअप वकअप में कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लैग फील हो रहा है, तो पावर में ऐसा कुछ पता नहीं क्यों, या हो सकता है मेरा एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गया है या फिर सही में कम है, आई डोंट नो। बीच से मैं नोटिस करूँगा। बाकी यहाँ पे घाट भी था अभी, और ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे घाट आएंगे आगे। अभी ये वाला जो है ये हनुमान घाट है, ये आप लोग देख कर देख लो, फिर ऐसे ऐसे करके NIT बहुत सारे। तो यहीं पर भी हनुमान घाट भी था, और यहाँ पर है लोहरवा घाट, दो घाट तो इमीडिएट दिख गया। आज सारे घाट की डिटेल है आप लोगों में देते चलूँगा, कौन सा घाट आ रहा है, और तीसरा एक घाट आएगा इसका भी नाम मैं अभी एक सेकेंड पढ़ के बताता हूँ, आलमगंज घाट, आलमगंज घाट भाई तीसरा। तो फिलहाल कोई घाट नहीं है मेरे ख्याल से, और बाइक का फ्यूल रेंज हो गया है कम। उस दिन जो हमने फोन कराया था परसों में फुल कराया था, तो पूरा 460 किलोमीटर की रेंज आ रही थी। आज मैं गाड़ी में
300 किलोमीटर की रेंज ही शो कर रही है। देखो ये चौधरी टोला घाट भाई घाट ही घाट है यहाँ से NIT तक। हाँ तो बैक टू द पॉइंट, मैं कह रहा था कि अभी बाइक में जो है 300 किलोमीटर का ही रेंज बच गया है, तो अब देखते हैं जब तो 150 की रेंज दिखाएगी तो फिर से फोन करेंगे। वैसे जब इसमें 150-200 का रेंज दिखाता है तो बिहार में फुल करने में लगते हैं मुझे 1100 रुपये, और गुजरात में जब फाइनल ख़त्म हो जाता था ना तो 900 में फुल हो जाता था, 900-950 में फुल। मोर घाट गाइज, ये है घाघा घाट, यहाँ पर बहुत भीड़ है, ट्रैफिक है यहाँ पर लोग काफ़ी सब घाट से जाते। मैं 70 पे क्रूज कर रहा हूँ और ये पुलिस वाले आदमी एफजी लेके बहुत आगे निकल गए मेरे से, यानी कि 90 प्लस हो गई या 100 हो गई। तो पुलिस वाले ही रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आम जनता से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो चीज़ होनी चाहिए ना समझ समझे तब तो। ये कौन घाट ये बीत गया, बहरवा घाट करके कुछ था, आज बहुत सारा घाट आने वाला है। आप लोग एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मस्त आराम करिए, घाट घूमते चलिए। एक और गांधी घाट, अगर मैं काउंटिंग कर सकूँ तो कितना नंबर घाट होता है यार, 5 या 6 तो हो रहा होता है। 360 से एक्सटेंशन निकला हुआ है, जिनको गांधी मैदान जाना है यहाँ से वो यहाँ से एक्सटेंशन है, ये निकला हुआ है वहाँ पे लिखा भी हुआ है गांधी मैदान, यहाँ से बोल के जा सकते हो सीधा, ये गोल घर के पास निकलेगा फिर वहाँ से आपको फिर तो लोग यहाँ आएंगे ही नहीं टोल के चलते, फिर अंदर सिटी सिटी ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि बिहार में क्या मेंटेलिटी है ना कि पेट्रोल फूंक देंगे ज़्यादा का वो नहीं दिखेगा, लेकिन कोई अगर 1 रुपये भी ले रहा है ना 10 रुपये भी तो लोग मेरे ख्याल से कतराएंगे। तो यहाँ फ़ोटो शूट हो गया मेरा, मैंने खुद से ही किया, और ये देख लीजिए हल्का हल्का सूरज बाबा भी निकलना स्टार्ट हो गया है, तो अब ज़्यादा देर रुक के फ़ायदा नहीं है, बढ़ते हैं आगे। और भाई साहब बढ़ने में क्या ही खुशी हो रही है, तो वो भी चल के देख ही लेते हैं, आए हैं तो आज सारी चीज़ एक्सप्लोर कर ही लेंगे, सुबह सुबह वाला सारा चीज़ फील करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे देख लो भाई, ट्रेनिंग वाले गाड़ियों से दूर रहना चाहिए, ये जो फोर व्हील्स होते हैं ना ट्रेनिंग वाले, कब कहाँ से क्या कर दे कोई गारंटी नहीं है। वैसे तो यहाँ कैमरा होगा बट सुबह सुबह कोई कैमरा वो नहीं करेगा, रूल तोड़ सकते हो बट अपने अपने रिस्क पे भाई। चलो फाइनली, अभी जो मैं आप लोगों को व्यू दिखाने वाला हूँ ना एकदम प्रॉपर गंगा जी के पास चल के, देख लीजिए ये मरीन ड्राइव से मस्त नीचे की बाइक को हमने उतार दिया है, और इसमें क्या है ना सुबह सुबह दिक्कत यही है यार, बाइक सीखने वाले और कार सीखने वाले लोग बहुत मिल रहे हैं भाई, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सुबह सुबह ना ही आओ तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं पे कुछ लड़कियाँ बाइक सीख रही है, कहीं पे कार सीख रही है, इसमें क्या है जो नुकसान है वो दूसरे किसी का हो जाएगा तो वो चीज़ मैंने आज ऑब्जर्व करी है, बाकी जो मुझे लगा मैं आपको भी बता दिया। बाइक लेके चलेंगे वहाँ फाइनल एंड तक, वो बाइक फंसने में लगी, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग का भी मज़ा मिलने लगा। ओए होए होए कितना ठंडा हवा लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा ठंडा और मस्त हवा लग रहा है। ये ऊपर अदृश्य गाइज, मैं आप लोग को इतना का भी एक ओवर भी ऊपर दे ही दूँ, इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं इधर थोड़ा आके एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ ये पत्थर पर बैठ के कैसा लग रहा है। बाकी गाड़ी खड़ी है, हवा इतना तेज़ ना है कि गाड़ी को गिरा दे जाए पानी में,
भी डर है। देख लो यहाँ से एकदम कितना अच्छा हवा चल रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर हेलमेट का वाइजर ना बंद करो तो यहाँ भी विंड ब्लास्ट आने लगेगा एकदम मस्त चारों तरफ का माहौल, इतना तेजी एकदम जस्ट ब्रिज के नीचे ही होगा, सोचिए यहाँ पर ट्रेन जाएगा इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हम तो थोड़ा दूर खड़े रहते हैं और बाकी ये बीच समंदर में पानी दृश्य बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह उठ के हवा इतना तेज है और हवा के साथ साथ पानी का छींटा आ रहा है कि टैंक पे कहीं कहीं पे पानी का छींटा आके पड़ गया है। अभी थोड़ी देर पहले तक नहीं था, तो मतलब समंदर के पास आप रहोगे ना तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस होगी, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई साहब कुछ तो है। बट यहाँ धूप में आने लायक नहीं है, धूप में भी आओगे तो आप जैसे कहीं से चल के आओगे तो बहुत रिलैक्स फील होगा, अच्छा लगेगा। बट ऐसे नॉर्मली दिन में आने में क्या होता है कि फट जाता है। एक तो इसमें ऑफ रोड पैच भी मिल जाता है, यहाँ पे तो एक साथ कितने सारे फायदे हो जाते हैं। ओहो इसी में पाची होती तो अब तक नचा देती है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सुबह सुबह घूम के? पर्सनली अगर मैं बोलूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सारी चीज़ एक्सप्लोर करके, क्योंकि बड़ा ही कम मौका मिलता है, चाहे आप गांव में रहो या सिटी में रहो, सुबह उठना हो ही नहीं पाता है, और जब उठना होगा नहीं तो फिर आपको नेचुरल एयर मिलेगा नहीं फ्रेश है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सिटी में भी रहते हो ना तो। बाकी लोकल पटना वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आके आप सुबह सुबह मस्त थोड़ी देर अपना टाइम वो, मुझे लगा मेरे दोस्त है बस नहीं, उन्हें इसके तीन तीन लोग सुबह सुबह ब्लेजर व्लेजर पहन के जीन्स चप्पल। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप सुबह सुबह आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और आपको अच्छा लगेगा। बस आप डेली नहीं आ सकते हो, मुझे पता है, मैं भी आज एक दिन आ गया हूँ तो पूरा लग रहा है कि सर पे उठा लिया हूँ, सारा फिटनेस सारा ऑक्सीजन मुझे ही दिख रहा है, वो सिर्फ उठ जाने के बाद है। लेकिन ऐसा रखो कि वीक में कम से कम दो बार तो हो जाए, अपना क्या संडे राइड पर हो जाता है, बट वो भी अब कैंसिल होते जा रहा है। मतलब हमेशा का ये मैं देख रहा हूँ, जो भी संडे राइड है प्लानिंग डेली होती है, हाँ हाँ ये होगा इस बार यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे ये खाएंगे, बट वो उस दिन जाते जाते ना नींद एकदम पता नहीं कहाँ से आ जाता है। बट आज मैंने खुद को स्ट्रिक्टली रखा था कि नहीं उठ ही जाना है, इसलिए उठ गया था। तो बाकी अटल पथ तो सबको पता ही है, गाड़ी के टिकट में कहीं भी कोई बैग नहीं है, एकदम मस्त उठ रही है, बस ये थोड़ी सी गंदी हो गई है तो मज़ा नहीं आ रहा। तो लो भाई फाइनली घूम घाम के सब कुछ एंड हम आ गए शिवपुरी, और शिवपुरी आके अभी आप लोग के लिए एक और सरप्राइज है, वो इसी वीडियो में मैं दे देना चाहता हूँ। सरप्राइज यही है कि अभी अपनी सार्क जो है पटना में थी, मतलब अपने पास थी, बट नाउ वन मोर थिंग्स ऐड हो गया है अपने साथ, वो क्या है चलिए आप लोगों को इन जस्ट फ्यू सेकेंड में दिखेगा। 1 2 3 अब अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो देख सकते हो, ये रही अपनी वाइट हॉर्स, ये भी पटना आ चुकी है। तो अब जो है अपने जो ब्लॉक्स आएंगे वो इन दोनों पे आएंगे, क्या ही सुंदर दिखती है ये, इसको कहीं से भी देखो कभी भी देखो तो आपका मतलब दिल नहीं करेगा कि इसको देखना बंद करे। ओहो देख लीजिए, तो यही सरप्राइज था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था इस वीडियो में, और कैसी लग रही है दोनों एक साथ ज़रा एक बार बताओ। फिर मैं तो मस्त इनकी फोटोज वोटोज क्लिक करने वाला हूँ, फिर यहाँ से जाऊँगा। तो लो भाई अब सार्क को थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं सॉरी, व्हाइट हॉर्स को टाटा,
वे जाते हैं पहले सार को करेंगे पार्क, और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेश हो के आएंगे तो करेंगे वाइट हॉर्स को ड्राइव। बट नाउ अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें, और अगर अभी तक वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।